नाम वकास अली। फ्राइडे को 4 सवा 4 बजे ऑफिस से गया, ऑफिस से जाने के बाद सो गया, 4:45 या 5 बजे उठ के कोचिंग गया। कोचिंग का नाम है सर राहील इंस्टीट्यूट, 6 नंबर पर है। वहाँ स्टडी करी, स्टडी करने के बाद 6:30 या 6:45 पे घर आया। घर आने के बाद नमाज़ पढ़ी है सर की, सर की नमाज़ पढ़ने के बाद अफ्तारी की तैयारी करी वालदा के साथ, अफ्तार किया, मगरिब की नमाज़ पढ़ने गया, मगरिब की नमाज़ पढ़ के आया घर पे, लेट गया, 1 घंटा रेस्ट किया। इशा की नमाज़ पढ़ने गया मस्जिद, तरावियाँ पढ़ी, तरावियाँ पढ़ने के बाद घर पे आ गया। 10:30 बजे तक थोड़ी देर टीवी देखा, 11 बजे लेट गया, 11:15 या 11:30 बजे कॉल आई थी, 11:15 बजे तक फयाज की कॉल आई, जो हमारे यहाँ ऑफिस बॉय है जिसके पास ऑफिस की चाबियाँ होती हैं सारी, उसकी कॉल आई थी। उसने मुझे कहा कि मेरे से ऑफिस की चाबियाँ घूम गई हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ मुनीब भाई से, जो हमारे जी ऑपरेशन से हैं ऑफिस में, और मसूद साहब से जो HR मैनेजर हैं उनसे बात करी मुनीब भाई से कि आपके पास ऑफिस की चाबियाँ हैं। उन्होंने बोला मेरे पास कोई चाबी नहीं है ऑफिस की चाबियाँ नहीं है मेरे पास, आप मसूद साहब से रब्ता करें शायद उनके पास हों, या उमैर से रब्ता करें जो हमारे यहाँ अकाउंटेंट है। उमैर को कॉल करने के बाद उसने मुझे बताया कि मैंने तीनों चाबियाँ जो मैंने ताले खरीदा था उसकी चाबियाँ मैंने मसूद साहब को दे दी थी, मसूद साहब को फयाज को दे दी थी, मसूद साहब को कोई चाबी नहीं दी थी। मसूद साहब से रब्ता जब कर रहा था उनको कोई रिस्पॉन्स किया था, कॉल जाती थी 12:15 बजे उनको उनसे रब्ता कर रहा था, कोई कॉल रिस्पॉन्स किया है। उसके बाद मुनीब भाई से रब्ता किया दोबारा, मुनीब भाई को बोला मसूद साहब कॉल अटेंड नहीं करे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है हम सुबह देखते हैं या अभी देखते हैं क्या होता है, और चाबियाँ मसूद साहब के पास नहीं होंगी, नहीं है तो आप उमैर से बात करो, नहीं तो मसूद साहब से रब्ता करो वो क्या कहते हैं। सारा रब्ता करने के बाद सुबह फिर सो गया था, और सुबह उठा 4:15 बजे, सहरी की, सहरी करने के बाद नमाज पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आके फिर सो गया था मैं। सोने के बाद 3 बजे उठा था, नमाज पढ़ी थी जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद 4:30 बजे तक मस्जिद में रहा था, मस्जिद से आ गया था कि फिर लेट गया सो गया था। फिर असर की नमाज़ के लिए उठा था, फिर असर की नमाज़ पढ़ी थी, फिर घर आ गया था, घर आके बैठ के टीवी देखने वाला खबाल देखा, अफ्तारी की तैयारी की मगरिब तक, अफ्तार किया मगरिब के बाद अफ्तारी की तैयारी, मगरिब के बाद अफ्तार किया, अफ्तार करने के बाद नमाज़ पढ़ी, फिर वही रूटीन आए, थोड़ी देर आराम किए, 1 घंटा रेस्ट किया, फिर चले गए मस्जिद, तरावियाँ पढ़ने के बाद आए। इस दौरान मुनीब भाई की भी कॉल आती रही थी, मुनीब भाई से भी अपडेट करता रहा था कि कोई चाबियाँ नहीं मिली, मसूद साहब ने भी फोन नहीं दिया, ये सारा पूरा दिन प्रोसेस रहा था। फिर वही 10:30 11 बजे सो गया था, फिर सुबह 11:30 बजे उठा था, संडे की 10:30 बजे उठा, उठने के बाद 11 बजे कोचिंग चले गए थे, कोचिंग जाने के बाद 3 बजे कोचिंग से आए थे। कोचिंग से आते हुए रास्ते में मैंने मसूद साहब से कॉल पर बात करी थी, जिस पर उन्होंने कॉल अटेंड कर ली थी मेरी, और पूरी सिचुएशन उन्होंने बताई कि इस तरह से चाबियाँ घूम गई, मुनीब भाई ने आपसे रब्ता करने के लिए कहा है, तो मसूद साहब ने मुझे बोला कि मुनीब के पास की चाबियाँ हैं आप उनसे रब्ता करें, शायद उनके पास पहले भी चाबी थी 1-2, तो आप उनसे रब्ता करें शायद उनके पास की चाबियाँ हों। तो फिर देन मैंने मुनीब भाई से रब्ता किया, उनको बोला, तो उन्होंने बोला नहीं देखते हैं अभी मैं काम में बिजी हूँ थोड़ा बहुत कुछ है। तो फिर मैं घर आ गया, घर आने के बाद लेट गया, लेटने के बाद असर की नमाज़ पढ़ी, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर तरावियाँ पढ़ी 11 बजे, फिर मुनीब भाई की कॉल आई, जब मैं अपने फ्रेंड के साथ था, 11 बजे मुनीब भाई की कॉल आई, मुनीब भाई ने बोला ऑफिस आ जाओ आप, फिर ऑफिस आके देखते हैं मेरे पास कुछ चाबियाँ मिली हैं मुझे, देख लेते हैं अगर ऑफिस में लग जाती हैं तो खोल लेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। मैं बॉस के घर से ऑफिस आ जाता हूँ, आप मेरे ऑफिस आके वेट करो। मैं आया घर से दोस्त के पास से, फिर डायरेक्ट ऑफिस आ रहा था, ऑफिस आते मैंने फयाज को भी उठा लिया था उसके घर से जहाँ वो रहता है, उठाने के बाद हम लोग ऑफिस आ गए, ऑफिस के नीचे हम लोग आधा घंटा खड़े रहे, 11:45 बजे तक खड़े रहे, मुनीब भाई का वेट कर रहे थे, मुनीब भाई आए, फिर हम लोग ऊपर आए, मुनीब भाई के पास कुछ चाबी थी वो उससे खोल के चेक किया हमने, कुछ नहीं करने के बाद ऑफिस दरवाज़ा खुल गया हमारे मेन लोग। जब हम ऑफिस में दाखिल हुए तो पूरी रोबरी वाला सीन हुआ था, सब दराज खुले हुए थे हमारे 1-2 और सब दराज तोड़े हुए थे, बकायदा तौर पर तोड़े हुए थे दराज,
हर लैपटॉप मतलब सब पे टेबल पे पड़ा हुआ थे, दो तीन लैपटॉप पड़े हुए थे। मंटू के एसिडी वाइप थी और सारे हमारे जितने भी एम्प्लॉयज के लैपटॉप थे सब वो वाइप थे। फिर कुलदीप भाई ने रब्ता किया शेरी भाई से, फिर जो भी प्रोसेस था मेरा सबसे रब्ता किया बॉस को बताया हम लोगों ने कि सिलसिला ये चीन हो गया। फिर उमेर को कॉल करके मैंने बुला लिया था ऑफिस में। फिर हमारे साथ दोनों थॉन्टेड है उमेर यूसुफ, वो भी ऑफिस आ गए थे। फिर हमने हमारे ऐसा ऐसा जो भी हेड है हमारे तमीज भाई, शेरी भाई, काशान भाई और मसूद साहब से भी रब्ता किया था। मसूद साहब ने बोला मैं अभी ऑफिस नहीं आ सकता कि मेरे हाथ में इधर कुछ भी प्रॉब्लम थी, उससे मनीष भाई उन्होंने मनीष भाई को बता दिया था कि जो भी प्रॉब्लम है क्या आपने। फिर जो भी हेड है हमारे शहरी भाई जो भी थे काशान भाई सब आ गए थे ऑफिस हमारे। फिर सारा सीन करके फिर हम लोग मनीष भाई तमीज भाई सारे स्टेशन भी गए थे, स्टेशन पुलिस स्टेशन गए थे। स्टेशन जाके उन्होंने जो भी बात की वो बात कही की थी उनसे। 3:30 बजे फिर हम लोग ऑफिस बंद करके 4:45 बजे अपने घर चले गए थे हम लोग। 4:45 बजे फिर घर पहुँच गया था। फिर सुबह फिर वही पहुँचने के बाद फेरी की नमाज पढ़ी उसको गया। फिर 12:11 बजे ऑफिस दोबारा आ गया, मंडे की 11 बजे ऑफिस दोबारा आ गया था। ओके।